बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर भट्टी, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ब्यूटी क्रीम्स, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में चाहिए, लोगों को हमें बताना चाहिए कि जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या फीमेल्स जो अपने घर में खुद ही बनाती हैं, जिसमें अक्सर ये यूज़ करते हैं आर्ची या बेडनेविट क्रीम या डर्मोविट क्रीम फेस पे जो अक्सर यूज़ होता है, तो उसके लिए एडवाइस लोगों के लिए ये है कि कम से कम डॉक्टर से पूछ लिया करें कि कौन सी मेडिसिन आपने फेस पे इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ये जो डर्मोवेट है या बेडनेविट जो क्रीम है या आर्ची है, ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनती है, जिसमें फेस की सेंसिटिविटी, स्किन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन थिन हो जाती है, फेस पे रगे स्किन में रगे नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और इसमें आम पानी भी उसके फेस पे लगता है, जिससे सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमेशा मेरी एडवाइस यही है कि अपने डॉक्टर से, जो भी आपके नज़दीक तरीन जो लोकेशन में स्किन वाला डॉक्टर है, उससे कम अज़ कम पूछ लें कि ये फार्मूला मैं फेस पे अप्लाई करूँ या ना करूँ। बेडनेविट, डर्मोवेट, बाकी बॉडी पे आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन फेस पे मुकम्मल तौर पे ये प्रोहिबिटेड है। उसके ऊपर अगर आप लिटरेचर देख लें, उसमें लिखा भी हुआ है कि फेस के लिए ये क्रीम ये नहीं है। और जितने भी फार्मूलाज घर में जो यूज़ करते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से और आवाम से कि वो मत यूज़ करें विदाउट डॉक्टर के मशवरे के। फेस के ऊपर कुछ भी यूज़ मत करें, क्योंकि उससे फेस पे बाल भी ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन आपको बताई हैं वो भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं।